मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन अकेडमी। तो आई होप कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से रहें। यार अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो, आप एग्ज़ाम सेंटर जाएं और एग्जामिनर आपको कहे कि आप ये चीज़ें लेकर आएंगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठ सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जो अभी रिक्वायरमेंट हैं, जो आप वो आपकी अगर पूरी करते हैं तो फिर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको बैठने देंगे एग्जामिनर, वरना आपको नहीं बैठना चाहेंगे। तो उस रिक्वायरमेंट को आप पहले से ही पूरा कर लें, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलन डिटेल से बताऊँगा। और अगर यार अगर आप पूरा नहीं करते तो आप ऐसे जाते हैं, जब दूसरी दफ़ा पूरा करके आते हैं एग्जामिनर आपको कहे कि अब टाइम जो है वो कम है तो अब आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं बैठ सकते, यार आपके साथ बहुत बड़ा मसला हो सकता है और अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो। खैर वीडियो को आपने आखिर तक देखना है विदाउट स्किप किए, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम स्टूडेंट्स वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और चैनल ब्रेन अकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ब्रेन अकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ खड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट में कोई वीडियो, कोई लेक्चर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गैस पेपर वगैरह अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम तार स्टूडेंट्स तक इजीली पहुंच सके। ठीक है ना यार, आप ये पहली बात मेरे अपने माइंड में बिठाएं। जैसे कि आप प्रीवियस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चैनल ब्रेन अकेडमी के ऊपर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो उन बच्चों को स्टेप बाई स्टेप हर गाइडलाइन मिल रही है। तो सब्सक्राइब के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको आने वाली अपडेट्स का पता चल सके। तो बाकी आपके लिए गैस पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए, साथ साथ आपको बता दूं गैस पेपर भी अपलोड कर रहा हूं। आप ब्रेन अकेडमी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो नीचे आपको गैस पेपर वाली प्लेलिस्ट मिलेंगी और लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगी, वो आप सीन कीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो बता दूँ स्क्रीन पर, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आएंगे सर आप हमें बताएँ, तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ। एक नंबर वन पर आपके पास रोल नंबर स्लिप तो आपकी ये पर आपको पता है, कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि रोल नंबर स्लिप तो हम साथ लेके जाएंगे तो एग्जाम सेंटर के अंदर हमें बैठने देंगे, लेकिन कुछ अदर जो है रिक्वायरमेंट हैं जो आपके पास होना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर नहीं होती तो एग्जामिनर आपके पास। सेकेंड, अभी वबा की वजह से आपके पास मास्क का होना भी कंपलसरी है। ठीक है, मास्क का होना भी ज़रूरी है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे सेंटर हैं जो मास्क को नहीं भी पूछते, बाज़ दफ़ा मास्क के बगैर भी वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठने दे रहे हैं। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये चीज़ जान लें, और ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मास्क के बारे में नहीं पता था तो वो आप ये साथ लेके ज़रूर जाइएगा। और थर्ड में आपको बता दूं कि रोल नंबर स्लिप, मास्क, ये दो चीज़ें तो होगी, थर्ड में आपके पास क्या होना चाहिए जो बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है, आपके पास आपका आईडी कार्ड जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं होगा तो एग्जामिनर आपके आईडी कार्ड, जो एग्जामिनर मतलब कि एग्जाम सेंटर में दाखिल होने से पहले आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, और अगर आपके पास अब आईडी कार्ड नहीं होगा तो फिर भी आपको एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं बैठने देंगे एग्जामिनर। और आपको ये भी पता चलें कि अगर जिन बच्चों का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो अच्छे मुझे कमेंट करेंगे सर हमारा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो हम एग्जाम सेंटर के अंदर क्या बैठ सकते हैं, तो हम क्या करें अब। तो आपको बता दूँ कि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपना बे फॉर्म साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, बे फॉर्म लेके जाएं, और बे फॉर्म उसके बाद आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप होना चाहिए और उसके बाद आपके पास मास्क होना चाहिए। लिखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, पेंसिल पेन वगैरह जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं पहले से वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपको लास्ट में आखिर यार ये बात आप सुन लें, आखिर में ये जो मैं अभी बताने लगाऊँ ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक कर बैठते हैं जब ये आपके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। और रोल नंबर स्लिप के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि रोल नंबर स्लिप यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक नहीं आई, तो यार इसके लिए आप जो एग्जामिनर को कहेंगे हमें तो मिली नहीं थी अब हम क्या करें, तो यार इसके लिए आपने परेशान होना, जो नेट से मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप रोल नंबर स्लिप वहाँ से चेक करें। ठीक है, और आप अपनी उन रोल नंबर स्लिप को साथ लेके जाइएगा, आप किसी भी प्रिंटर से प्रिंट निकलवा लीजिएगा, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक आपको नहीं मिली तो उस रोल नंबर स्लिप के साथ भी आप एग्जाम सेंटर में बैठ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तौर पॉइंट समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फुल कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई देने की। खैर अब तक के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।